आईआरएफसी स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे आईआरएफसी में फ्यूचर में क्या मोमेंटम देखने मिल सकता है, स्टॉक का सपोर्ट कहाँ पे और रेजिस्टेंस कहाँ पे। फ्राइडे के दिन स्टॉक ने 3% का ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया और क्लोज किया 99.35 रुपीज़ के पास। ऑलमोस्ट देखेंगे तो स्टॉक का एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 100 रुपीज़ का लेवल है। तो कोई फ्रेश बाइंग करने का सोच रहा है आईआरएफसी में, तो अगर एक बार स्टॉक 100 रुपीज़ के लेवल के ऊपर 2-3 दिन सस्टेन कर लेने लगे तो एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ हम लोग को आईआरएफसी में मोमेंटम देखने मिल सकता है। नीचे की तरफ स्टॉक का एक सपोर्ट है जो कि 90 रुपीज़ का लेवल है। तो आप लोग किसी ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से, आप लोग का स्टॉप लॉस होना चाहिए अराउंड 90 रुपीज़ के पास, क्योंकि अगर एक बार स्टॉक 90 रुपीज़ के नीचे निकलेगा तो हम लोग को नीचे की तरफ लगभग 70 रुपये तक भी गिरावट देखने मिल सकता है। लेकिन जब तक स्टॉक 90 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्टॉक में ऊपर की तरफ कभी भी पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आईआरएफसी में हम लोग का टारगेट हो जाएगा 130 रुपीज़ से लेकर 150 रुपीज़ तक का, और लॉन्ग टर्म में इनफैक्ट स्टॉक 200 रुपीज़ तक का भी लेवल हमको टच करते हुए दिख सकता है। तो अगर थोड़ा मोड़ा यहाँ से हम लोग को डिप भी मिल रहा है तो आप लोग और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखेंगे तो आईआरएफसी एक अच्छा खासा हम लोग को ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया। नो डाउट स्टॉक पर थोड़ा करेक्शन बाकी है, तो अगर थोड़ा बहुत नीचे की तरफ गिरावट दिखाता फिर ऊपर की तरफ 100 रुपीज़ का लेवल ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा खासा आईआरएफसी में फिर से मोमेंटम हम लोग को हायर है बनते हुए दिख सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।